है भारतीय जनता पार्टी जितनी भी साजिश कर ले उसके साजिश से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव जी दोबारा फिर आपकी बात देखिएगा, लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जाएंगे और आने वाले विधानसभा में सरकार आएगी उनकी। ये जनता आज दूसरे को किसी को नहीं देख रही है, केवल एक का नाम देख रही है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। यहाँ सवाल, अगर महागठबंधन होता है सपा का बसपा से तो आप बीजेपी के सामने लड़ाई में रहेंगे, अदरवाइज अकेले तो बहुत मुश्किल होगी जिस तरीके से एक हिंदुत्ववाद का फैलाया जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए हम ये नहीं जानते समझौता किससे होगा किससे नहीं होगा, पार्टी हाईकमान जाने, क्योंकि हम तो पार्टी नेता नहीं है, हम एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग ये जानते हैं कि जो भी निर्णय हमारे नेता का होगा, और आज के डेट में जनता अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ी है, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कितना हवाई हमला करे, हवाई बमबारी करे। अच्छा, बीजेपी ने तमाम वादे किए जनता से कि मंदिर बनाएंगे, और अब वक्त आ गया फिर से चुनाव का और फिर वही मुद्दा लेके उनके नेता मैदान में उतर रहे हैं। और अभी धर्मपाल सिंह जो सिंचाई मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोषी है, वो जल्दी फैसला नहीं कर रहा है। आप जानते हैं ये केंद्र में इनकी सरकार है, जब चाहते हैं एक जो ऑर्डिनेंस चाहते हैं वो पास कर लेते हैं, देश के संविधान को जब चाहते हैं चेंज कर लेते हैं, इतना प्रचंड इनका बहुमत है। तो इनके नेता कुछ बोल रहे हैं, इनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जब चाहेंगे वो पास कर लेंगे। लेकिन केवल जनता को, अब तो समय भी नहीं है इनके पास कि कोई ऐसा विधेयक ला करके पास कर ले जैसे मंदिर बनवा दे, ये केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब हिंदू हो या मुसलमान सब समझ गए हैं कि ये केवल सलूफेबाजी करते, कुछ नहीं करेंगे। शिवपाल जी की पार्टी जो नई पार्टी बनी है ये भी तो कड़ी चुनौती आपकी दे रही, सपा को दे रही। मैं आपसे कह दिया कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश की हर जात बिरादरी की आवाम खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कितनी साजिश करे उसके साजिश से कुछ नहीं होने वाला समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव इस बार देखिएगा प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो अगर इतना आपको विश्वास है तो क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी के कुछ विधायक जरूर संपर्क में होंगे सपा के, जो आने वाले चुनाव में पाला बदल सकते हैं? अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, लोकसभा का चुनाव आते ही देखिएगा तमाम भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता का प्रेशर जहाँ रहता है, नेता देखते होंगे तमाम नेता दल छोड़ छोड़ के जाते हैं। आज के डेट में जनता का प्रेशर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, इसलिए तमाम लोग भागेंगे पार्टी को, क्योंकि नाव जब डूबती है तो तमाम लोग कोर के निकल जाते हैं नाव छोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी की नाव को छोड़ के सब भागेंगे, देखिएगा।